नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से आ रही है। बलुआ थाना क्षेत्र के रामगढ़ में युवक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दबंग असलाह लेकर घर में घुस गया। यही नहीं, असलाह सटाकर युवक समेत पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हालांकि पीड़ित के परिजनों ने साहस दिखाते हुए असलाह सहित युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम शनिवार की दोपहर का है, जहां रामगढ़ गांव में सुबह किसी झगड़े को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी अभिषेक सिंह पिस्टल लोड कर राजन सिंह व अन्य को मारने की नीयत से उसके घर में घुस गया और पिस्टल राजन सिंह के ऊपर तान कर जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बीच खतरा को भांपते हुए वही रूम में मौजूद राजन सिंह, रणधीर सिंह व अन्य ने अभिषेक को पकड़ लिया। इस दौरान अभिषेक सिंह से पिस्टल छीनकर बड़ी अनहोनी होने से रोक लिया। साथ ही इसकी सूचना क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने असलाह समेत अभियुक्त को गिरफ्तार करवाया। आरोपी युवक अभिषेक सिंह जयराम दुनिया का उभरता हुआ सितारा है। इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक सिंह यूपी कॉलेज वाराणसी में छात्र संघ चुनाव में भी दखल रखता है और लोगों को चुनाव लड़ाता है। यही नहीं, इसे सत्ता पक्ष के नेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है। पेश है हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दूसरे गांव के लड़कों से गांव लड़का बल्लीपुर का था, वहां पे हम पहुंचे। दोनों पक्ष को समझा बुझा के वहां से झगड़ा को हमने हटा दिया। हटाने बाद इन्हें कोई बाहरी लोग इनसे जाकर इनसे कह दे कि आपको ऋषभ सिंह ने गाली दिया है और यह मेरे घर पे मैं खाना खा रहा था, मेरे भाइयों से आके झड़प किए और यहां तक बोले। मेरे भाई लोग बहुत उनको समझा लेके नहीं समझे और झड़प करते हुए इन्होंने कहा कि उनको बुला दीजिए, तो हमको घर से घींच कर निकालना भी आता है मुझे, मतलब इतने गुंडई के साथ पूरा। जब मैं भी गया तो मेरे साथ अभद्रता की तरह शब्द प्रयोग करना। मैं बार बार समझा रहा था कि मैंने आपको गाली नहीं दी और इसी बात में बहस करते उन्होंने तुरंत पिस्टल निकाल के लोड करके मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तीनों लोग, मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई, तीनों लोग हम उतर करके इनके हाथ का पिस्टल वही हाथ में ही इनके दबोचे रख गए और चौकी इंचार्ज साहब को फोन करके, जब चौकी इंचार्ज साहब आए तो वो इनके हाथ से पिस्टल को बरामद किए और उसमें से मैगजीन उतार करके उसको अपलोड किए और रिवाल्वर और अपराधी दोनों को लेके चौकी पे गए। वहां से उन्होंने उनको थाना वहाँ हुकुम हुआ था फील्ड में, ऋषभ सिंह वहाँ गए थे, कहा गया वहाँ सुलह कराया चले आए। तो ये आए थे अभिषेक सिंह, इनको ये था कहना कि राजेश सिंह गाली दिए हैं और बाप अगर इनको निकालो तो हम घर में घुस कर माई बंद चुक जाएंगे यहाँ से। हम भी तैयार बोले जाओ कहना बेटा जाओ घर की बात है जाओ, लेकिन एक कहते कहते हम इतना उतावला हो गए कि हम भी निकालेंगे रिवाल्वर निकाले और घर में, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे घर में निकाले रिवाल्वर और जो निकाले थे हम और छोटा बच्चा ऋषभ सिंह, दोनों आदमी मिलकर पहुंच।